सब्सक्राइब कीजिए टेक स्टार एजी चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुंजन, आप देख रहे हैं टेक स्टार एजी यूट्यूब चैनल। तो आज की इसमें बात करने वाले हूं बिहार में इंटर के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं या खुद से ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है, जैसे कि ऑनलाइन जहाँ से होता है। यहाँ पर टाइप करना है OFSS बिहार, यहाँ पर टाइप करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला साइट आएगा, यहाँ पर देख लीजिए OFSSBihar.in पर इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे आ जाना है, देख लीजिए सबसे पहले नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए बता रहा है इंटरमीडिएट कॉलेज एवं स्कूल नामांकन के फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक कर ले, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है कैसे भरना है, क्या क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या लगेगा। सारा डिटेल यहाँ पर पढ़ना चाहते तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इस पर टिक लगा देना है और यहाँ पर आवेदन हेतु यहाँ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो भी डिटेल है दे रहे हैं वहाँ पर स्टार मार्क वाला दे रहे हैं, उसको भरना जरूरी है, और जो स्टार मार्क नहीं है उसको भरना की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो भी साल में आप पास किए हैं मैट्रिक वो सेलेक्ट कर लीजिए, और वहाँ पर बोर्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा। यहाँ पर स्कूल कोड डाल लीजिए, जो रोल कोड है स्कूल वाला कोड वो डाल लीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डाल लीजिए, जो भी आपका रोल नंबर है वो डाल लीजिए। चलिए तो यहाँ पर फोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए स्कैन का कोड रखिए, कलर फोटो यहाँ पर डेस्कटॉप में आपके मोबाइल से या लैपटॉप से भर लें, तो यहाँ पर स्कैन कर फोटो यहाँ पर रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, अगर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट नहीं किए थे तो यहाँ पर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा और रोल नंबर डालिएगा और रोल कोड, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारा फिलअप हो जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही डाले हैं तो रोल नंबर, रोल कोड और डेट ऑफ बर्थ सही डालें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारा डिटेल भर कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप सही से डाले हैं तो। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का एड्रेस पूछ रहा है, जो भी आपका स्कूल में जहाँ का स्कूल है का एड्रेस है वो डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर धर्म सेलेक्ट करना चाहते हैं धर्म सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालने के लिए बोल रहा है, आपका अपना एड्रेस डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से डाल लीजिए जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ब्लॉक है वो डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फुल एड्रेस डाल लीजिए, जो भी फुल एड्रेस है आपका। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर पिन कोड डाल लीजिए, जो भी आपका घर का पिन कोड है वो डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लीजिए, वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पर OTP आना चाहिए वो वाला मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर ईमेल आईडी सही रहेगा तो यहाँ पर सही का चिन्ह लग जाएगा, और मोबाइल नंबर सही रहेगा तो सही का चिन्ह लग जाएगा। अगर गलत रहेगा तो यहाँ पर सही का चिन्ह नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा तो कॉलेज डालने के लिए बोलेगा, कम से कम यहाँ पर 10 कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बीच में जितना भी कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो भी कॉलेज हैं हाली हाली यहाँ पर 10 कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो भी स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर दोनों पर टिक लगा देना है। यहाँ पर देख लीजिए और भी और कॉलेज ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एस पर क्लिक करना पड़ेगा। एस पर यहाँ पर नीचे क्लिक कीजिए सेकेंड ऑप्शन पर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए जो भी जिसे आप फॉर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग यहाँ पर एडमिशन डेट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ, जब आप एडमिशन लिए थे 9th में उसका ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं था, तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से सबमिट करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर 10 कॉलेज नहीं सेलेक्ट किए इसलिए बोल रहे हैं कि अब 10 कॉलेज कम से कम सेलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर 10 कॉलेज कम से कम 10 कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पर लास्ट कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर 10वां कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नो कर लीजिए,
देख लीजिए यहाँ पर पूरा कॉलेज का डिटेल दिखा रहा है, अगर हटाना चाहते हैं तो वहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए नो करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पर पेमेंट के पेज पर चले जाइएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देख लीजिए प्रीव्यू दिखाया गया, यहाँ पर देख लीजिए सही सही आप डिटेल डालें या नहीं चेक कर कर यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ओके दबा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करने ओटीपी जाएगा आपका मोबाइल नंबर पर, जो भी आप मोबाइल नंबर डाले थे उस पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पर 5 मिनट का समय मिलता है, तो 5 मिनट के अंदर ओटीपी डाल लेते। यहाँ पर जो भी मोबाइल पर ओटीपी गया 6 अंक का वो डाल लेते यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल पर ओटीपी आ गया है, तो यहाँ पर ओटीपी डाल लेते हैं और उसके बाद ओटीपी डालकर यहाँ पर सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर जो भी यहाँ पे यहाँ से सब पैसा से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पेमेंट एंड प्रोसेस पर क्लिक कीजिए, प्रोसेस एंड पेमेंट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जिस चीज़ से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं QR कोड से करने वाला हूँ, तो यहाँ पर QR UPI सेलेक्ट कर लीजिए, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर QR कोड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्कैन करके जो भी चीज़ से पेमेंट स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो उससे आप पेमेंट कर लीजिए, फ़ोनपे गूगल पे या पेटीएम जो भी है आप उसे स्कैन करके यहाँ से पेमेंट कर लीजिए। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो 24 घंटे या 48 घंटा के वेट कर लीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला जाएगा, उससे लॉगिन करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आपका पेमेंट फंस जाए तो। चलिए यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है, चलिए फ़ोनपे से पेमेंट किए थे तो यहाँ पर सक्सेस हो गया। देख लीजिए सक्सेस होने के बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए सारा डिटेल दिखाएगा आपको और यूजर आईडी या पासवर्ड आपको मिल जाएगा मोबाइल नंबर पर। तो देख लीजिए यहाँ पर से आप प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट के बटन पर क्लिक कर यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पर मैंने साइज सेट कर इसे प्रिंट कर लेते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। देख लीजिए यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिए, जो भी दो पेज में आया है तो दोनों पेज के प्रिंट कर कस्टमर को दे दीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।